हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में जोमैटो की तरफ से एक फिर से जॉब ओपनिंग आई है वो शेयर करना चाहूंगी। और ये भी जो जॉब है वो कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम में रहने वाले। सबसे अच्छी बात ये है गाइस कि यहाँ पर जो वैकेंसीज आई है वो नियर अबाउट 100 वैकेंसीज यहाँ पर आ गई है। और आप जब भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर डायरेक्टली एचआर का कॉन्टैक्ट जो है मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करूंगी, सो दैट आप डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सको। कोई भी लिंक के थ्रू में यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। ओके, सो ये जो जोमेटो के लिए हायरिंग चल रही है ना, दैट इज फ्रॉम द स्टार्टेक कंपनी, स्टार्टेक एजेंसी की तरफ से ये हायरिंग चल रही है। परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है और इसके लिए सैलरी का पैकेज भी काफी अच्छा दिया गया है। नियर अबाउट 2.5K का यहाँ पर सैलरी का पैकेज दिया गया है। अब सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये है कि ये जो रोल आया है वो कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट के लिए आया है। अब एज अ कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट आप लोगों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर क्या होते हैं, तो देखो जोमेटो के जो कोई भी कस्टमर से उनके जो क्वेरीज होती है उसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये कस्टमर से फीडबैक लेकर उस फीडबैक को अपडेट करना पड़ेगा। ये आप कह सकते हो कि इनबाउंड आउटबाउंड कॉलिंग वाला ये जॉब प्रोसेस है। और ये काम करने के लिए आप लोगों के पास में यहाँ पर लैपटॉप का होना जरूरी है, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम में कर रहे हो तो लैपटॉप, वाईफाई, आपका मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। ओके, और अगर मैं स्पेशल रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोगों का ग्रेजुएशन होना मस्ट है यहाँ पर, और उसी के साथ में आप लोगों में पेशेंस लेवल ज़्यादा होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होने चाहिए, और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है दैट इज़ वेल एंड गुड। नहीं है तब भी अप्लाई ज़रूर करके देख लेना, क्योंकि जॉब प्रोफाइल कोई भी हो, भले वो फ्रेशर या एक्सपीरियंस के लिए, एज अ फ्रेशर भी आप जो है वो हर प्रोफाइल के लिए अप्लाई ज़रूर कर लेना गाइज। ओके, सो ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम वाला प्रोफाइल है। और ये काम करने के लिए गाइज, अप्लाई करने के लिए प्रोसेस बहुत ईजी है। एचआर का जो ईमेल आईडी है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया, हालांकि लिंक भी शेयर किए। आपको क्या करना है तो अपडेटेड सीवी जो है इनको यहाँ पर देना है। और अगर आप देख लोगे तो ये जो जॉब अपडेट है वो कुछ घंटे पहले, मतलब नियर अबाउट 5 घंटे पहले ये जॉब अपडेट आ चुका है। सो अभी तक फ्रेश जॉब है, तो यहाँ पर अगर आज अप्लाई करते हो तो होपफुली आप लोगों को इस वीक में तो कम से कम यहाँ पर रिप्लाई आ जाएगा। और अगर मैं बोल रही हूँ रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो यही एक है कि भाई थोड़ा सा आपका जो रिज्यूमे है ना उसको अपडेट करो। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली ये कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट के लिए आप लोगों को एक फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस लोगों के लिए किस तरह से रिज्यूम बनाना चाहिए, अगर आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट डाउन जरूर करना। मैं कोशिश करूँगी कि अभी जो अपडेटेड सीवी है वो उसके कीवर्ड जो है उसको यूज़ कर एक नया सीवी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। ओके, सो 12th पास लोगों के लिए ये जॉब नहीं है, ग्रेजुएशन चाहिए यहाँ पर, उन लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो 12th पास वाले प्लीज़ अप्लाई मत करना यहाँ पर। एंड कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव वाला ये जॉब प्रोफाइल है। अब ये कहोगे कि मैम यहाँ पर कहाँ लिखा है कि जोमेटो प्रोसेस के लिए, मैंने यहाँ से बात की है तब भी ये कंफर्म कर कर ही ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सो जोमेटो के लिए ही ये जॉब प्रोफाइल है। सो मेक श्योर करना गाइस, 100+ वैकेंसीज है, तो ये मत सोचना कि ऑलरेडी इन लोगों ने अप्लाई किया होता है मेरा नंबर कब आएगा, ऐसा नहीं है। भले कोई कितने भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, आप ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करके देख लेना। ओके, और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जो शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ तो उस 30 सेकंड्स के वीडियो में क्या मैं आप लोगों को रिज्यूम से रिलेटेड कोई टिप दूँ क्या, टिप इन द सेंस कोई जॉब कोई अपडेट ऐसा दूँ क्या कि भाई ये मेंशन करना चाहिए या आपके अपडेट रिज्यूमे में ये होना चाहिए, तो आप लोगों को अगर वो अच्छा लगता है तो एक बार मुझे वो भी कमेंट करके बताना, ताकि मैं उस तरह से शॉर्ट की वीडियोज भी जो है यहाँ पर बनाऊँ। और मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि शॉर्ट वीडियोज में मैं लिंक शेयर नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो अभी जो हालांकि मेरे ख्याल से 1 सितंबर से कुछ तो ये नया रूल आ गया है, जिसमें ये बताया गया है कि आप शॉर्ट्स के अंदर आपके कोई भी लिंक शेयर नहीं कर सकते। अगर मैं लिंक भी डालूँ तो वो इनएक्टिव हो जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर मैं कोई लिंक डालती हूँ तो वो भी इनएक्टिव होती है। सो जितने भी मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ उसके जो लॉन्ग वीडियोज है वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, और नहीं तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर भी वो जो लिंक है यहाँ पर शेयर करती हूँ। सो मेक श्योर करना कि सारे लिंक जो है वो आप लोगों को इधर आपको मेरे वीडियो पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो मुझे एक बार कमेंट डाउन जरूर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय।